इस तस्वीर को देखने के लिए देश को 74 साल लग गए, जब अपने ही देश में बना युद्धक टैंक देश के प्रधानमंत्री को इस अंदाज में सलामी दे। बहरहाल बीती बातों पर रोते नहीं हैं, आने वाले वक्त को और मजबूत बनाते हैं। चलो देश की तस्वीर बदलते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हम क्या हैं। चौदह फरवरी को दुनिया जब वैलेंटाइंस डे मना रही थी, तो पीएम मोदी तमिलनाडु में विकास की इबारत लिख रहे थे। चेन्नई में उनका इस अंदाज में स्वागत ही बता रहा है कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे आम इंसान की जिंदगी को आसान बना रहे हैं और भारत को दुनिया की जरूरत। चेन्नई पहुंचकर पीएम मोदी ने कई अहम सौगातें तमिलनाडु के सुपुर्द की, तो कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखी। युद्धक टैंक अर्जुन, सबसे पहले बात स्वदेशी युद्धक टैंक अर्जुन की। पीएम मोदी ने भारत की जाबाज सेना को अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-1A सौंप दिया। ये पूरी तरह से स्वदेशी युद्ध टैंक है और रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की पहचान है। इसका डिजाइन, इसका डेवलपमेंट और इसका निर्माण CVRDE DRDO ने 15 एकेडमिक संस्थानों, 8 प्रयोगशालाओं और कई MSME के साथ मिलकर किया है। चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन। दूसरी बड़ी सौगात थी चेन्नई के लोगों के लिए, चेन्नई के लोगों के जीवन को ईज ऑफ लिविंग देने की। पीएम मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया और यहां के लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वॉशर मेन पेट से विमको नगर तक चेन्नई के यात्रियों की सेवा करने वाली जिस मेट्रो रेल को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वो 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रूट पर दौड़ेगी। इसे बनाने में 3,770 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस नए एक्सटेंशन रूट ने नॉर्थ चेन्नई को एयरपोर्ट और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ दिया है। चेन्नई बीच से अट्टीपट्टू चौथी रेलवे लाइन। पीएम मोदी ने चेन्नई बीच और अट्टीपट्टू के मध्य चौथी रेलवे लाइन भी देशवासियों को सौंप दी। रेल लाइन का 22.1 किलोमीटर लंबा ये हिस्सा चेन्नई और तिरुवल्लूर जिलों से होकर गुजरता है। इसके बनने से चेन्नई बंदरगाह और इसके आसपास ट्रैफिक कम हो गया है। रेलवे का ये हिस्सा चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह को आपस में जोड़ता है। इस लाइन को तैयार करने में 293.40 करोड़ रुपए की लागत आई है। रेलवे खंड के विद्युतीकरण। पीएम मोदी के हाथों तमिलनाडु को मिला एक और तोहफा है, विल्लुपुरम कुड्डालोर मलियादुथुरई थंजावुर और मलियादुथुरई तिरुवल्लूर में सिंगल लाइन रेलवे खंड का विद्युतीकरण। 423 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए इस 228 किलोमीटर लंबे मार्ग के विद्युतीकरण से चेन्नई एमोर और कन्याकुमारी के बीच ट्रैक्शन बदले बिना ही अब यातायात संभव हो गया है। इससे अब हर दिन 14.61 लाख रुपए के ईंधन की बचत होगी। ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली का विस्तार। नए प्रोजेक्ट की बात करें तो पीएम मोदी ने तमिलनाडु के लिए ग्रैंड एनीकट नहर प्रणाली के विस्तार, इसके नवीनीकरण और इसके आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी। ये नहर डेल्टा वाले जिलों में सिंचाई व्यवस्था के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस योजना पर 2,640 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे नहरों में जल वहन करने की क्षमता में काफी बढ़ोतरी होगी।
किसानों के लिए बेहतर सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी। आईआईटी मद्रास डिस्कवरी कैंपस। पीएम मोदी ने आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला भी रखी है। ये कैंपस चेन्नई के पास थैयूर में बनेगा। 2,00,000 वर्ग मीटर से अधिक एरिया में बनने वाले इस कैंपस के पहले चरण के निर्माण में 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भले ही तमिलनाडु में सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार ना हो, लेकिन पीएम मोदी को इससे क्या मतलब? उन्हें तो जिद है देशवासियों के जीवन स्तर को सुधारने की, उन्हें तो जिद है जीवन को आसान बनाने की, उन्हें तो जिद है ईज ऑफ लिविंग को सर्वोच्च स्तर तक ले जाने की, उन्हें तो जिद है देश को दुनिया का सिरमौर बनाने की।